नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और एसपीएन 9 न्यूज़ में इस वक्त की बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने दिल्ली पहुंचकर आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। पायलट से पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कैबिनेट में फेरबदल से पहले सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूबे में कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में 2023 में चुनाव है और आम चुनाव 2024 में है, तो राज्य में कांग्रेस का फिर से आना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि जनता उनकी जेब में है और वोट उनके पास है। देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और मुझे लगता है कांग्रेस का अब विकल्प है। गौर हो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे और आलाकमान से मुलाकात के साथ ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हैं। राजस्थान के मौजूदा गहलोत सरकार में अभी 9 जगह खाली है। राज्य में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत सहित 21 मंत्री अभी हैं। माना जा रहा है कि 3 पुराने चेहरों की छुट्टी होगी और 12 नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अब देखना यह है कि सचिन पायलट का सोनिया गांधी से मिलने के बाद क्या निचोड़ निकल कर आता है। क्या सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट को दिया जाएगा, अब यह वक्त बताएगा। ऐसी और खबरों के जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।